बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैथ्स का हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करनी है। 2.7 में हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी, ठीक है, हमने उनको सॉल्व करके एक्स एंड वाई यानी कोई भी अननोन है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आपने 8th क्लास के मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है कि हम इक्वेशंस को, और 9th में भी पढ़ा है, ठीक है, कि हम तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। एक तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, उसमें से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट करें, ठीक है, या फिर ये होता है बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। और थर्ड होता है आपके पास एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस हम किस टाइप की इक्वेशन में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड आपके पास एग्जांपल नंबर 1 मौजूद है, आप उसको खुद से देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व करवाती हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है वो है जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। इक्वेशन 2 जो गिवन है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, x प्लस y इज इक्वल टू 5 है ना, x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगी, ठीक है, पुटिंग इन 2। तो मेरे पास 2 इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x की जगह मैं 5 माइनस y पुट करती हूँ, स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर जब आप इसका ओपन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर को पहले रख लें, 10 और 2 माइनस 12y बन जाएगा, और 25 में से जब आप 14 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11। अब आपके पास यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, चाहे जो है ना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, चाहे आप इसकी फैक्टराइजेशन करवाएं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आपने क्या करना है कि y की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके अगर फैक्टर्स बनाना चाहें तो फैक्टर कैसे बनेंगे, मल्टीप्लाई करवाओ तो 11y प्लस माइनस करो तो 12y। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 1y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखो जब इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 11y स्क्वायर आ जाएगा, और जब प्लस करोगे तो ये माइनस 12y आएगा। यहाँ से कॉमन करो, यहाँ से कॉमन करो y, तो आपके पास अब यहाँ से हम इसको कॉमन कर लेते हैं, y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 11, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे y माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि y माइनस 11 दोनों में आ रहा है, कॉमन कर लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार y माइनस 11 को इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से y इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, y माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अभी आपके पास दो y की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था, y की वैल्यू आ गई। अब आप y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम पुटिंग y इज इक्वल टू 11, इसको ये जो आपने x की वैल्यू निकाली थी इसको आप इक्वेशन 3 कह दो, ठीक है, इसमें हम पुट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 माइनस y है, 11 पुट करो तो ये आपके पास माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब आप y इज इक्वल टू 1 पुट करो इन 3, जब आप पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 होगा, यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, आपने बकायदा साइमल्टेनियस इक्वेशन जब सॉल्व करनी है तो आपने एंड पे सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट लिखने का क्या मेथड होता है कि देखो आपने 11 पुट किया y की वैल्यू,
आपके पास x की वैल्यू क्या आई 6, लेकिन जब भी आप सॉल्यूशन सेट लिखते हो तो आप x की वैल्यू पहले और y की बाद में लिखते हो, तो आप पहला सॉल्यूशन सेट जो लिखोगे वो माइनस एक्स और 11 लिखोगे, क्योंकि आपने 11 पुट किया था तो माइनस एक्स माइनस सिक्स आया ना x की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस सिक्स और 11 एक वैल्यू बन जाएगी, और जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास x का आंसर 4 आया, तो सेकंड इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा वो 4 एंड 1 बनेगा, ठीक है। ये आपके पास इसके दो सॉल्यूशन सेट्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सेम इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आपने एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करके अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसको आप 1 कह दो, और दूसरी जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 कह दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, 2y को आप दूसरी साइड पे लेके जाओ, 3 को इधर से डिवाइड करवाओ, तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2y डिवाइड बाय 3। अब आपने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे आप फार्मूला से सॉल्व करो, चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन आगे से खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, x माइनस y इज इक्वल टू 7, 2 बाय x 5 बाय y इज इक्वल टू 2। जैसे क्वेश्चन 1 में भी आपके पास लीनियर इक्वेशन दी हुई थी ना, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ से आप क्या करो, इसको 2 कह दो, फ्रॉम 1 से आप वैल्यू फाइंड करो x की, तो ये 7 प्लस y हो जाएगा। अब आपने ये वैल्यू जो है वो 2 में पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, वहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी, देन आप y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, देन आप लोगों ने एंड पे क्या करना होगा, सॉल्यूशन सेट राइट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। सेम वही मेथड है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया है। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये है जी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन है ए बाय एक्स माइनस बी बाय वाई इज इक्वल टू 2, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, x की अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँ तो y को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपने x की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यूज को फाइंड करोगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो 1 से 4 है इन सब का मेथड सेम है, ये आप लोगों ने सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने सॉल्व करना है। होप सो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लोगे, पहले रफ नोटबुक भी सॉल्व कर लेना, उसके बाद जो है ना अगर आंसर जो है वो सही आए तो आप लोग जो है ना उसको नीट नोटबुक भी सॉल्व करिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जहाँ पे हर क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग सब जो है ना एग्जांपल्स मौजूद है वहाँ से आप लोग हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।